देखिए यहां पर सबसे पहले आज इस बुलेटिन में बात करेंगे वीरों की शहादत। एक बार फिर से जम्मू की भूमि शहीदों के खून से लाल हुई है। एक बार फिर किसी माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी, किसी की मांग का सिंदूर, किसी बहन का भाई, किसी का सरपरस्त उससे छीन लिया गया। आखिर कब तक जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द माँ भारती के लाल को हमसे छीनते रहेंगे। आज दूसरी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ऐलानिया धर्म परिवर्तन की, जहां पर सावन से पहले क्या जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस पर विस्तार से आगे बात करेंगे। और जो तीसरी खबर होगी बुलेटिन में वो किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ी होगी, जिस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या बॉर्डर खुलेगा और किसान दिल्ली में दाखिल होकर ही रहेंगे। इन खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी डोडा से आसिफ कुरैशी हमें हर जानकारी देंगे, आशीष कुमार सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखनऊ से संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। साथ ही शंभू बॉर्डर से सचिन कुमार भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी हमारे साथ रहिए, बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर से परेशान करने वाली खबर है ये। आतंकी हमले में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। डोडा में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने अटैक किया था। दहशतगर्दों की हेलीकॉप्टर से अब तलाश की जा रही है। दक्षिण कश्मीर से सटे जंगल में ऑपरेशन तेज कर दिया गया है इन आतंकियों को खोजने के लिए। और अभी ताजा अपडेट क्या है, जल्दी से सबसे पहले आसिफ कुरैशी का रुख कर लेते हैं। आसिफ, क्या ताजा जानकारी? देखिए, ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करने के बाद हमें इस बात का पता चला कि ये ऑपरेशन भले ही जो मुठभेड़ है कल हुई हो, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से यानी 15 दिनों से लगातार सेना का ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। सेना को जो जानकारी मिली थी 6 से लेकर 7 मिलिटेंट्स के डोडा के इन जंगलों में होने की, आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके का पूरा ये इलाका है जहाँ पे ये ऑपरेशन चल रहा है। घने जंगलों के पेड़ के बीच में जो घास फूस भी है, बाकी सारी वेजिटेशन के बीच में जो मिलिटेंट हैं वो छुपे हुए हैं। और अब तक सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में देखें तो पिछले हफ्ते 3 विदेशी मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, लेकिन अभी भी खुफिया एजेंसी की माने तो अभी भी 3 से 4 मिलिटेंट इन जंगलों में मौजूद हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की बात माने तो ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये वही इलाका है जो कश्मीर घाटी के कुलगाम और अनंतनाग से जुड़ता है और साथ ही रियासी और कठुआ से भी जुड़ता है। यानी ये वो इलाका है जहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, कोई LOC नहीं है, यानी घुसपैठ जो होती है वो कहीं और से होती है और यहाँ पे आके मिलिटेंट बस जाते हैं, क्योंकि ये टेरेन उनको मदद देता है। आप मेरे साथ आगे भी आपसे बातचीत होगी। तो जम्मू में हुए इस आतंकी हमले पर एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। देखिये, जम्मू के पास आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। उरी से सुरंग के जरिए ये आतंकी भेजे जा रहे हैं जम्मू रीजन में। 20 से 24 आतंकी जो इस वक्त एक्टिव हैं, सूत्रों से ये बड़ी खबर। जम्मू में किस तरीके से आतंकी जो लॉन्च पैड उनके हैं वो एक्टिव कर दिए गए हैं, उरी से बाकायदा एक सुरंग के जरिए इन आतंकियों को भेजा जा रहा है और सिर्फ जम्मू रीजन में ही 20 से 24 आतंकी एक्टिव हैं। इस पर बात करने के लिए आशीष मैं आपका रुख करती हूं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लगातार आतंकियों की घुसपैठ भी हो रही है, आतंकी एक्टिव भी हैं, हमले भी कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इंटेलिजेंस फेलियर कहीं ना कहीं यहां पर बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पहले जिस तरह से पहले इस तरह के आतंकी गतिविधियों को रोकने में फोर्सेस कामयाब होती थी, कहीं ना कहीं ये बात जरूर है और सूत्र भी इस तौर इंडिकेट करते हैं कि ये रियलाइजेशन है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है। लोकल जो इंटेलिजेंस नेटवर्क था, चाहे वो टेक्निकल इनपुट्स मिलते थे, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस था, खास करके इस इलाके की बात करूँ, जम्मू रीजन, पुंछ, रजौरी, यहाँ पर जो गुजर बकरवाल जो पॉपुलेशन पहाड़ों पर रहता है, डेंस फॉरेस्ट में रहता है, ये काफ़ी डिस्टेंस पर रहते हैं, इनके डेंस घर नहीं होते जहाँ पर ये रहते हैं। ये लोकल मूवमेंट जब देखते थे कि कोई फॉरेन एलिमेंट्स या टेररिस्ट सस्पिशियस एलिमेंट्स दिखते थे, तो ये SPOs को, लोकल पुलिसमैन को या फिर अपने लोकल जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते थे उनको जानकारी देते थे। ये टोटल डिस्कनेक्ट है, ये दिखाता है कि जिस तरह से प्रिसिशन के साथ वो हमले कर रहे हैं। और बाकायदा आप देखिए शिरीन की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनसे दूरी बना करके सड़कों पर ये एम्बुश कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी दिनों से वहाँ पर तैनात हैं, उन्हीं रास्तों से आ रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रही थी। अलग अलग बारामूला से भी इनको इन्फ्यूज़ किया जाता है, इसके अलावा सांबा, कठुआ में भी ये या तो टनल से आते हैं या
नदी नाले के रास्ते से आते हैं, तो इन ये पहले से आकर के यहाँ पर घुसे हुए हैं। बिल्कुल, और यही सवाल खड़ा करता है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, उसे अंजाम दे रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद इन्हें पकड़ना भी एक मुश्किल साबित हो रहा है। आतंकी हमलों के बाद अब किस तरीके से मोदी सरकार की घेराबंदी शुरू हो गई है, कांग्रेस बरसी है मोदी सरकार पर, राहुल और प्रियंका गांधी ने सरकार से जवाब मांगे हैं, पवन खेड़ा ने कहा है कि नारों से देश नहीं चलता है, दूसरी तरफ सुप्रिया सुने जो कह रही हैं कि तारीखवार हमले का उन्होंने जिक्र किया, कमलनाथ के सीमा सुरक्षा पर उन्होंने सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अब हमलावर है कांग्रेस, और राहुल गांधी ने बाकायदा ये ट्वीट किया है, माफ कीजिएगा एक्स पर ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया साइट पर। ये देखिए, लगातार हो रही आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं, बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। नीचे वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि हर देशभक्त भारतीय की ये मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनाहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। तो ये तो राहुल गांधी का वो पोस्ट हमने आपको दिखाया, अब प्रियंका गांधी ने भी बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट किया है, वो देखिए। ये देखिए, उन्होंने भी इसको लेकर सरकार पर सवाल उठाया, कहा कि कभी नोटबंदी, कभी अनुच्छेद 370 के बहाने आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के फर्जी दावे की कीमत हमारे जवान अपनी जान देकर चुका रहे हैं, हम कब तक अपने शहीदों की लाशें गिनते रहेंगे। बहुत सख्त शब्दों में सीधे सीधे ये सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। अब एक और नेता है कांग्रेस की, सुप्रिया सुने, जिन्होंने कहा है कि पिछले 78 दिन में 11 आतंकी हमले हो गए हैं, इन हमलों में हमारे 12 जांबाज शहीद हो गए हैं। बाकायदा उन्होंने इसका जिक्र तारीख, कब कब हमले हुए, कब कब क्या हुआ, इसका जिक्र उन्होंने किया है, और अब सीधे सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप कहते हैं कि आतंक खत्म हो गया है, तो फिर ये आतंकी घटनाएं बढ़ क्यों गई हैं। आसिफ, मैं फिर से आपके पास आती हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात, यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि लोकल जो स्थानीय जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनका रवैया भी इसके पीछे बहुत बड़ा जिम्मेदार है। आप तमाम चीजें जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके फिर उन पर काम क्यों नहीं होता, जिम्मेदारी तो आखिरकार आपकी है ना इन हमलों को, इन घुसपैठ को रोकने की। बिल्कुल, देखिए डीजी का ये बयान कि स्थानीय जो पार्टियां हैं उनका रवैया मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहा है, कहीं ना कहीं खुद पुलिस के काम करने के तरीके पे फिर सवाल उठाता है। और ठीक वैसा ही हुआ, जैसे ही डीजी का ये बयान सामने आया, महबूबा मुफ्ती उन पर हमलावर हो गई और उन पर डीजी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। लेकिन हकीकत यह है कि राज्य में सुरक्षा प्रदान करना सुरक्षा एजेंसियों का काम है, और लगातार पिछले अगर 2 दशकों या 3 दशकों से देखें तो सुरक्षा बलों को खुली छूट मिली है जो भी सक्रिय मिलिटेंट यहाँ पे है उनके खिलाफ कार्रवाई करने में, और उसके साथ जो उसका जिसको एनवायरनमेंट कहते हैं, जो टेरर एनवायरनमेंट है, उसको अगर कोई बढ़ोतरी देता है, चाहे वो राजनेता है, राजनयिक है, कोई सरकारी कर्मचारी है, उन पर भी लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियों का प्रहार होता रहा है। ऐसे में डीजीपी का एक बयान एक राजनीतिक उथल पुथल करेगा, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन इसके दूरगामी नतीजे इस तरीके से निकलेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस का राजनीतिकरण हो सकता है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस खुद अपने ऊपर उंगली उठाएगी कि क्या राजनीतिक दल, जो स्थानीय राजनीतिक दल आज तक मुख्यधारा में जुड़े हुए हैं, देश की बात करते रहे हैं, सियासत हो रही है। आसिफ रहेगा मेरे साथ, मैं आगे भी आपसे इस पर बात करूंगी। तो डोडा आतंकी हमले को लेकर इस वक्त जबरदस्त राजनीति हो रही है, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिए और बीजेपी ने कहा है कि ये वक्त राजनीति का नहीं। महबूबा मुफ्ती ने पूछा कि आखिर कौन जिम्मेदार है, तो अब एक एक करके राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और सरकार को घेरा जा रहा है। चिंता की बात है और इसका कुछ ना कुछ सख्ती से निपटना चाहिए। जो आतंकी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, और जो आतंकी के आका हैं उन्हें भी सबक सिखाया जाएगा। जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं, और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है, तो जम्मू ये क्या हो रहा है? दहशतगर्द बचेंगे नहीं, आपने देखा है पहले भी और आगे भी उनकी दुर्गति यही होगी। पहलकदमियाँ नाकाफी क्यों हो रही है, जम्मू हो या कश्मीर हो? अगर नाकाफी हो रही है तो एक्नॉलेज करिए ना, यू डोंट एक्नॉलेज। जम्मू कश्मीर में शांति आए है और शांति को बहाल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हम हर तरफ का जो भी पाकिस्तान से साजिश होगा
हम लोग उसका जवाब दूंगा। जो अमित शाह जी ने और मोदी जी ने दावे किए थे और जो ढूंढूरा पीटा हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, वो टोटल खोखले साबित हुए हैं। मुझे लगता है कि जल्द इन लोगों को मार गिराया जाएगा और ये पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण चीजें बार बार हो रही हैं। एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है। तो अलग अलग दलों की प्रतिक्रिया आपने सुनी और आशीष आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए इस मामले में हर राजनीतिक दल राजनीति कर रहा है, आरोप लगा रहा है, ये बहुत आसान है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो बजाय इसके किस पर राजनीति की जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि मिलकर इसका समाधान निकाला जाए? देखिए शिरीन, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो उनको हक है, वो इश्यूज रेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी चिंता की हैं यहाँ पर, इसको बहुत जल्द एड्रेस करना पड़ेगा। आप देखिए किस तरह से अब पूरा का पूरा टेररिज्म का फोकस जो है वो जम्मू की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके दो इंटेंट बिल्कुल क्लियर होते हैं, एक जम्मू में टेररिज्म को रिवाइव करना, दूसरा आप देखिए जब यहाँ पर री इन्फोर्समेंट भेजा जाता है टेररिज्म को यहाँ पर एड्रेस करने के लिए, तो आप वैली से फोर्सेस वहाँ मूव करते हैं, कुछ वैली से फोर्सेस कम होते हैं, यानी कि वहाँ पर दोबारा से ब्रीडिंग ग्राउंड वो ढूंढ रहे हैं, टेररिस्ट ध्यान भटकाना चाहते हैं। दूसरा पंजाब बॉर्डर से कैसे टेररिस्ट घुस रहे हैं, ये एक नई सबसे बड़ी चिंता का विषय भारत के लिए होने वाला है, जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अभी मैं देख रहा था आप जो साउंड बाइट सुना रही थी, एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहता हूं, उसमें ये कह रहे थे कि हम शाहनवाज हुसैन कह रहे थे कि कोई दोषी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। आप कैसे नहीं बख्शेंगे, वो आते हैं, एम्बुश लगाते हैं, मार करके चले जाते हैं, उनको पूरा एरिया पहले से पता है, वो काफी समय से यहाँ पर है, आप ट्रेस कैसे करेंगे, आपको अपना इंटेलिजेंस बढ़ाना पड़ेगा। यही तो सवाल है ना, और यही फिर सवाल खड़ा करता है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है तो फिर और क्या है? उत्तर प्रदेश के बरेली में तौकीर रजा का एक ऐलान, जिसके बाद अब इस पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। 23 लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएंगे तौकीर रजा। तौकीर रजा के ऐलान के बाद पुलिस एक्शन में है। एसएसपी ने तौकीर रजा को चेतावनी दी है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तौकीर रजा को इसकी इजाजत नहीं मिलेगी, प्रशासन की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, तौकीर रजा जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराने का, 23 लड़के लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने का बाकायदा ऐलान किया, जिसके बाद इस पर राजनीति भी हो रही है और एक्शन में भी पुलिस नजर आ रही है। तौकीर रजा के इस ऐलान के बाद पुलिस एसएसपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया, चेतावनी दी गई है कि शांति व्यवस्था अगर बिगाड़ी गई या फिर इस तरह की कोई कोशिश हुई तो इस तरह की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, इसमें एक्शन लिया जाएगा, प्रशासन इस तरह के कार्यक्रम की इजाजत नहीं देता है। तो तौकीर रजा इससे पहले भी कई बार अपने बयानों की वजह से विवादों में रहे हैं और अब उनका यह बड़ा बयान कि वो 23 लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने जा रहे हैं, जिस पर अब विवाद शुरू हो गया है। आज जांच याचिका प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। तो पुलिस प्रशासन अब एक्शन की बात कर रहा है, लेकिन इस पर अभी हमारे पास ताजा अपडेट क्या है, संजय आपसे बात करते हैं। और यहां तो एक सवाल सीधा सीधा ये है कि तौकीर रजा का ये ऐलान, ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं तौकीर रजा और वो विवादों के पर्यायवाची माने जाते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब वो अपने इस कृत्य की वजह से चर्चा में आए हैं। इसके पहले भी उनके बयान, उनकी हरकतें लगातार ऐसी रही हैं जिससे वो हमेशा विवादों में और सुर्खियों में रहे हैं। एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, उसी से जुड़े हुए मसलों को उठाते हैं, लेकिन उनके उठाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ना केवल विवादों में, बयानों की वजह से विवाद में रहते हैं, बल्कि बरेली में हुए दंगों के आरोपी भी रहे। बारादरी में जो दंगा हुआ था बरेली में, उसके आरोपी भी रहे। कई मामले न्यायालय में चल भी रहे हैं, कई मामलों में पुलिस जांच भी कर रही है। अब ताज़ा उन्होंने एक जो कहा है कि 23 लोगों ने हमें आवेदन किया है, जिनमें 15 लड़कियाँ हैं और 8 लड़के हैं जो धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। हैरानी की बात श्रीन ये है कि धर्म परिवर्तन अगर किसी को करना होगा तो संबंधित अथॉरिटी में जाकर के आवेदन करेगा। मौलाना कौन होते हैं धर्म परिवर्तन के आवेदन लेने वाले? तो ये सारा का सारा जो कृत्य है, ये जो पूरी कहानी है, ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि फिर से सुर्खियों में आने की तैयारी कर रहे हैं मौलाना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहरहाल पुलिस अलर्ट है और शासन को भी पूरी जानकारी है। जिला पुलिस के जो SSP जिनको आप सुन रहे थे अनुराग आर, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है, उनके आवेदन की भी पड़ताल की जा रही है, उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।
मौलाना ने अभी सुरक्षा कारणों से उन 23 लोगों के नाम नहीं खोले हैं, लेकिन इस पूरे आवेदन बात बताइएगा संजय, जिन 23 लड़के लड़कियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने आवेदन किया है धर्म परिवर्तन के लिए, उनके बारे में कोई डिटेल्स है, कोई जानकारी है उन लोगों को लेकर? नहीं, मौलाना ने इसका खुलासा नहीं किया। मौलाना कहना है कि सुरक्षा कारणों से और गोपनीयता बरतते हुए इनका खुलासा नहीं कर रहे हैं, वरना जो धार्मिक संगठन है वो कहीं उनके साथ में कोई अहित ना कर दें, उनके साथ कोई बदमाशी ना कर दें, कोई गड़बड़ी ना कर दें, इसलिए उन्होंने इसका नाम तो नहीं खोले है, लेकिन अभी उन्होंने बरेली के ही एक कॉलेज का, एक स्कूल का नाम दिया है, खलील हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर 21 जुलाई को ही अपना आयोजन करना चाहते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि इस तरह के आयोजन की परमिशन पुलिस प्रशासन की ओर से मिलने वाली नहीं है। इजाजत जो मांगी है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है क्या? देखिए, 5 लोगों का तो निकाह कराने की उन्होंने बात की है, टोटल 21 लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे लड़के लड़कियां धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, 5 लोगों का निकाह कराया जाएगा। बहरहाल अभी जो पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं कि उनके आवेदन की जांच की जा रही है, कौन लोग हैं जो ये धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या वो प्रलोभन की वजह से या किसी दबाव की वजह से धर्म परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गलत तरीके से, कोई लालच से, प्रलोभन से या दबाव से जब अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसके लिए यूपी में स्पेशल एक्ट बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, आप रहिएगा, इस खबर पर आगे भी आपसे बात करेंगे। तो देखिए, अब तौकीर रजा ने एक और विवादित बयान दे दिया है, एक ऐलान कर दिया, जिसके बाद विवाद होना आगे जाहिर है कि इस मामले में होगा ही, जिसे लेकर पुलिस ने भी साफ कह दिया है कि इजाजत नहीं है और एक्शन की भी तैयारी है। फिर से दिल्ली कूच को तैयार है किसान, शंभू बॉर्डर खुलते ही दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे किसान, उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया है। हरियाणा सरकार के पास कल तक का वक्त है, हाईकोर्ट ने बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है, 6 महीने के राशन पानी के साथ किसान तैयार है, और उनकी तरफ से कहा गया है कि जब बॉर्डर खुल जाएगा तो वो सीधे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी किसानों की, कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद अब सरकार उसकी भी तैयारी कर रही है। हमारा फैसला है कि जब भी रास्ता खुलता है, जब भी रास्ता खुलता है, रास्ता खुलने के बाद हम अपना तामझाम इकट्ठा करेंगे, सामान इकट्ठा करेंगे। वो सारा सामान आप सबने हमारे से ज्यादा देखा है, घर बन चुके हैं, उनको इकट्ठा करने पे थोड़ा समय लगेगा, सिर्फ उतना समय हम लेंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है जो हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और इस पर बात कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, मतलब किसानों ने तो साफ कर दिया कि बॉर्डर जैसे ही खुलेगा वो एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो घोषणा कर दी है कि अगर शंभू बॉर्डर खुलता है तो वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अब गेंद जो है हरियाणा सरकार के पाले में है, क्योंकि कल जो है वो जो हरियाणा सरकार के लिए डेडलाइन जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेट की थी 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने की, वो खत्म हो रही है। हालांकि हरियाणा सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जो है चली गई है, SLP जो है दायर की है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। पर मैं वो आपको दिखाता हूँ वो बॉर्डर जो चर्चा में है, जिसको हटाने का पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। ये सामने आप देखेंगे, ये सड़क जिस पे मैं खड़ा हूँ ये पंजाब के राजपुरा से पटियाला से जो है सीधा अंबाला की तरफ जाती है, अंबाला होते हुए दिल्ली की तरफ जाती है। तो सामने आप देखेंगे बैरिकेड्स हैं, ये 7 लेयर जो है ये बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पे ये कंटीले जो हैं, नुकीले जो हैं, लोहे की रॉड जो हैं वो लगाई गई हैं। आगे सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं, उनके दूसरी तरफ जो हैं वो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी दिख रहे हैं। तो इससे आगे भी बैरिकेडिंग है। तो ये पुल का एक हिस्सा है, पुल के दूसरे हिस्से पे भी ऐसी ही तस्वीर है जो अंबाला से पटियाला की तरफ जो है जा रहा है। तो ये इंतजाम है फरवरी महीने से यहाँ किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, जिनको हटाने के पंजाब और हरियाणा किसानों को रोकने की तैयारी, लेकिन अगर ये हटता है तो किसान फिर से दिल्ली कूच करेंगे, उनकी तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है। बात करेंगे बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था की। देखिए, बिहार में पूर्व मंत्री के पिता का मर्डर कर दिया गया, दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है, पुलिस ने 2 संदिग्ध को इस मामले में हिरासत में लिया है, बिहार पुलिस ने 3 बाइक भी बरामद की है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हत्या की जांच के लिए बाकायदा SIT का गठन किया गया है जो इस मामले में जांच कर रही है, और जल्द इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का भी दावा किया जा रहा है। तो दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई, उन्हीं के घर पर हत्या हुई है, जिसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिहार पुलिस ने इस मामले में अब तफ्तीश शुरू कर दी है,
पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही आरोपियों तक वो पहुंचेंगे और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल दो संदिग्धों को पकड़ा गया के अवलोकन के बाद दो संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। घर में तीन बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी है, मोबाइल मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो जांच हो रही है और जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा आरोपियों को, पुलिस की तरफ से ही कहा जा रहा है। इस पर ज्यादा डिटेल्स और क्या है, सीधे हम रुख करेंगे शशांक का। शशांक, फिलहाल खबर मिल रही है कि दो संदिग्धों को पकड़ा गया है, कौन है ये, इस बारे में क्या और जानकारी है? देखिए, ये दोनों स्थानीय लोग हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनको उठाया गया है और पूछताछ की जा रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, यही वो घर है जिसमें जीतन सहनी, मुकेश सहनी के पिता अकेले रहते थे। कल रात बेरहमी से अपराधियों ने इसी घर में उनकी हत्या की और फरार हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टियां ये लग रहा है कि चोरी का विरोध करने पर हत्या की गई है। वैसे अलग अलग एंगल से पुलिस की टीम जो है जाँच कर रही है, यहाँ पर डॉग स्क्वाड FSL की टीम भी पहुँची थी, तो लगातार जाँच जारी है। लेकिन घटना का मेन कारण क्या है ये पुलिस पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। IT का गठन हुआ है, देहात SP जो है नेतृत्व इसका कर रही हैं, तो पुलिस की कोशिश यही है कि जो अपराधी हैं उन तक पहुंचा जाए। आपको बता दें, लगातार यहां पे पुलिसकर्मी कैंप कर रहे हैं। मुकेश सहनी मुंबई में थे, पटना पहुंचे हैं और वहां से वो दरभंगा के लिए रवाना हो गए हैं, तो आज ही देर शाम उनके पिता का जो है वो अंतिम संस्कार होगा। और आपको बता दूँ, जिस तरह से घटना हुई है, एक बार फिर से कानून व्यवस्था पे सवाल उठने लगे हैं। और इस मामले में एक सवाल ये भी उठ रहा है ना कि देखिए, सुशासन की बात करते हैं नीतीश कुमार, बिहार में हालांकि ये कोई नई घटना तो है नहीं, लेकिन सवाल यहाँ इसलिए और बुलंद हो जाता है कि एक पूर्व मंत्री के पिता की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है और कानून ये कह रहा है कि हम बहुत जल्द अपराधियों तक पहुंच जाएंगे, उनको गिरफ्तार कर लेंगे जो कानून के रखवाले हैं। बिल्कुल, बिहार में आम आदमी भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, लोग बाहर निकलने में डरते हैं। अब ये स्थिति बिहार में आ चुकी है। गृह विभाग नीतीश के पास है, पिछले लंबे समय से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो समीक्षा बैठक होती थी वो भी नहीं हुई है। विपक्ष लगातार घेर रहा है कि ये महाजंगल राज है। सो NDA की तरफ से बार बार कहा जाता है कि 1990 से 2005 तक बिहार में RJD के शासनकाल में जंगल राज था, तो अब विपक्ष घेर रहा है यह कहते हुए कि ये महाजंगल राज है, तो जवाब तो CM नीतीश को देना होगा। गृह विभाग उनके पास है सरकार पर सवाल खड़ा करने के लिए और इसीलिए इस पर राजनीति भी हो रही है। आप रहिएगा मेरे साथ, मैं आपसे बात करूंगी आगे। लेकिन अब इस हत्या को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। RJD ने कहा है कि बिहार में जंगल राज है, CM कहे कि उनसे नहीं हो पा रहा है। मनोज झा की तरफ से कहा गया है कि, और साथ ही गिरिराज सिंह का भी बयान इस पर आया कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं। रामनाथ ठाकुर ने कहा, इस पर बयान दिया और इस हत्या को ट्रंप पर हुए हमले से जोड़ दिया है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने भी कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत है, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले BJP के लोग और NDA के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। ये मैं दुख जताता हूँ और इतना जरूर कहूँगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं पकड़ने का संकल्पित है। दुखद है और इस तरह का जो लोग कल्पना करते हैं राम राज्य का, नीतीश जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हर जिले में इस तरह की हत्या हो रही है और हत्या एकदम आम बात हो गई है और फिर भी लोग एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
तो आपने सुना अलग अलग राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, शशांक इस पर आपसे बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये तो चले राजनीतिक दल हैं, उनके लिए तो ये मौका इस पर राजनीति करेंगे, पर अब यहाँ नीतीश कुमार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ेंगी क्योंकि जब आप सत्ता में नहीं होते हैं, जब आप इस तरह की बातें करते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था का राज हम लेकर आएंगे, तो क्या बिहार में कानून व्यवस्था को वाकई स्थापित करना बहुत मुश्किल है? इस तरह की घटनाएं तो यही बताती हैं। ये बिल्कुल, देखिए लंबे समय से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक नहीं हुई है, पुलिस विभाग में मैन पावर की कमी है, अपराध पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। आप यूपी में देखती हैं बुलडोजर मॉडल, एनकाउंटर मॉडल, यहाँ ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो ठोस नीति बनाने की ज़रूरत है ताकि अपराधियों में डर हो। और आपको बता दें कि मुकेश सहनी के सपोर्टर्स यहाँ हैं और उन लोग बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि प्रथम दृष्टियाँ ये लग रहा है कि चोरी की हत्या का विरोध करने पर घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। उनके सपोर्टर्स का कहना है कि ये राजनीतिक हत्या है, सो मुकेश सहनी का कद काफ़ी बढ़ गया था, सो विरोधियों ने इस घटना को अंजाम दिलवाया है। तो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है। अच्छा, पिता की हत्या के बाद पटना पहुंचे हैं मुकेश सहनी, बड़ी खबर दे दे अपने दर्शकों को। मुकेश सहनी ने कहा है कि नीतीश, अमित शाह और लालू यादव से बात हुई है, नीतीश कुमार से जल्द कार्रवाई करने को कहा है, दरभंगा के डीएम से भी उनकी बात हुई है। तो मुकेश सहनी जो पहुंचे हैं पटना, पिता की हत्या के बाद वो पटना पहुंचे और उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उनकी बात हुई है अधिकारियों के साथ भी और नेताओं के साथ भी। मुझे जानकारी मिला, मैं भी गांव में बाहर था, मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि पिताजी का हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी सुप्रिंटेंडेंट हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला, दरअसल लखनऊ में बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। रहीम नगर, अबरार नगर के लोगों को राहत है इस फैसले के बाद, पंत नगर, खुर्रम नगर वासियों को भी राहत है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई, कॉलोनियों को गिराने और सर्वे पर फिलहाल रोक का फैसला लिया गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि आज ही एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला, कल ही संजय निषाद ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए थे, यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद आज सरकार का ये यूटर्न, जिस एक्शन पर रोक लगा दी गई है, ये बड़ा फैसला मीटिंग में लिया गया, मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। और यूपी सरकार ने जिस फैसले पर फिलहाल रोक लगाई है, उस पर 24 घंटे पहले संजय निषाद ने क्या टिप्पणी की थी, एक बार सुनिए। कई कारण है, उसमें एक कारण भी हो सकता है कि कुछ जगहों पर लोगों को विस्थापित करना पड़ा विकास के लिए, लेकिन उनको ध्यान से स्थापित नहीं कर मिला, लगता उनको रिएक्शन करा के उनको गुस्सा मतलब लेने का वोट काम किया गया। तो आगे मेरा मतलब मानना है कि हम लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं कि अब किसी को भी विस्थापित करना हो तो पहले स्थापित किया जाए। और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ हैं। अभिषेक, ये सरकार का यूटर्न, क्योंकि ये बड़ा फैसला है बुलडोजर एक्शन पर रोक, क्या वजह इसकी? शरीन, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका जमकर के विरोध हो रहा था और विरोध कर कौन रहा था ये जानना जरूरी है। विरोध बीजेपी के अपने कोर वोटर कर रहे थे, वो जिन्होंने कि बीजेपी को वोट दिया है, और ये विरोध ऐसा नहीं कि अचानक करना शुरू कर दिया। जब से ये ऐलान हुआ है, जब ये बात सामने आई, तब से वो लगातार विरोध कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं कि सरकार के कान में ये कोई पहली बार पड़ा हो, सरकार के कान में पड़ रहा था कि विरोध कर रहे हैं, इसके बाद भी इस एक्शन को रोका नहीं जा रहा था। ये कार्रवाई चल रही थी, बुलडोजर चलने की घटनाओं को लेकर के पूरी तैयारियां थी, लेकिन एक मुसीबत यह आ गई कि बीजेपी के अंदर से भी, सहयोगियों के अंदर से विरोध के स्वर बुलंद होने लगे। जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, उस बैठक में जो बातें हुई, उनमें भी यह सामने आया कि यहां सुनवाई नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर के योगी सरकार दबाव में आई और दबाव में आने के चलते ही यह फैसला
बदला गया है, बुलडोजर एक्शन पे रोक लगाई गई है, योगी आदित्यनाथ बाकायदा मिले हैं और ये उनका मिलने से अच्छा, ये भी कहूंगा मैं, अच्छा मैसेज गया है, वो मिले, उन्होंने बातें सुनी है, उसका एक सकारात्मक संदेश गया है। लेकिन यही काम पहले हो जाना चाहिए था, उसे तब किया गया जब दबाव बढ़ गया और अपने ही जब आवाज उठाने लगे। शिरीन बिल्कुल, और देखिए ये इस मामले में यू टर्न है कि बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, सरकार ने यह फैसला लिया, लेकिन एक ही दिन में दूसरे फैसले से भी पलटे हैं योगी आदित्यनाथ। शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है, 2 महीने के लिए फिलहाल ये रोक लगाई गई है, विवाद का हल अब कमेटी निकालेगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार से शिक्षक संघ मिला था, लगातार इस फैसले का विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाएंगे शिक्षक। इस फैसले के बाद से ही लगातार कई जगहों पर प्रदर्शन भी कर रहे थे शिक्षक। अभिषेक देखिए, 2 बड़े फैसले लेकिन दोनों पर रोक लगानी पड़ी क्योंकि विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बिल्कुल शीन, विरोध बढ़ गया था और मैं आपसे जो अहम बात कह रहा हूँ, यहाँ भी वही कहानी है, ऐसा भी नहीं कि विरोध एक रात में बढ़ गया था, विरोध लगातार बढ़ रहा था। और एक बड़ी बात यह है कि अलग अलग यूपी के जिलों में विरोध हो रहे थे, प्राइमरी टीचर लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार अपने फैसले पर कायम थी। लेकिन यहाँ भी वही हुआ कि अंदर से आवाज़ उठने लगी। देवेंद्र सिंह का हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने चिट्ठी लिखी और साफ तौर पर कहा कि ये नाइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है, और उन्होंने करप्शन का भी सवाल उठा दिया कि स्मार्टफोन में सरकार में करप्शन हुआ है। ये सारी बातें हुई, उसके बाद सरकार दबाव में आई है, 2 महीने के लिए इस फैसले को स्थगित किया गया है। कहानी यहां भी वही दोहराई गई है कि विरोध को नजरअंदाज करके सरकार आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब अपनों का विरोध शुरू हुआ उसके बाद सरकार को लगा कि ये जो पानी है ये गले के ऊपर जा सकता है, इस विवाद को यहीं पर रोकना ही उचित होगा और इसके लिए ही ये फैसला लिया गया है। शिरीन बिल्कुल, और इसीलिए 2 महीने के लिए फिलहाल इस पर रोक लगाई गई है। अब कमेटी तय करेगी कि आगे इस मामले में क्या करना है। आप रहिए मेरे साथ। देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर एक और बड़ी खबर है, दरअसल कुछ अटकलें जो बढ़ गई हैं एक बार फिर से, यूपी को लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए हुए हैं, जेपी नड्डा से मिल सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। बताया जा रहा है कि आज शाम 7:40 पर उनकी ये मुलाकात संभव है। अभिषेक, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में और वो सरकार से बड़ा संगठन उस बयान के बाद आज दिल्ली पहुंचे हैं, क्या मतलब इसका? श्रीन आपने एकदम नब्ज पकड़ ली है, यही कहानी है जो आप कह रही हैं, जो केशव मौर्य ने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन, आगे भी कहा कि था, है और हमेशा रहेगा। केशव मौर्य के बारे में ये आज नहीं, लगातार सामने आता रहा कि वो असंतुष्ट हैं, वो सीएम बनने के दावेदार हैं, उनकी ये इच्छा है कि वो सीएम बने। और इस बीच में जो बीजेपी की हार हुई है यूपी में, उसके बाद इन आकांक्षाओं को और बल मिला है, और जिस तरह से योगी सरकार के खिलाफ विरोध की आवाजें बुलंद हुई हैं एक के बाद दूसरी, शिरीन उसने केशव मौर्य के दावे को और मजबूत किया है। और जो समीक्षा रिपोर्ट हुई है उसमें भी लगातार सामने आया है कि शासन से काफी नाराजगी रही है संगठन की, जिसका कि परिणाम मिला है इन चुनावों में। केशव मौर्य उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जब वो दिल्ली गए तो आप तय मानिए ये सारी बातें वहां पर रखी जाएंगी। और एक बात मैं और आखिर में कह दूं, ये मामला इसमें दो राय नहीं है कि एक निर्णायक मोड़ की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अब ये मामला ऐसा नहीं, कोई सामान्य मुलाकात में क्या होता है और उनके इस दिल्ली आने का मतलब तो समझ आ रहा है, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकल कर सामने आता है। महाराष्ट्र में विश्वासघात पर सियासत गर्म हो गई है। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने पूछा, उद्धव ने जो किया वो विश्वासघात नहीं? चुनाव जीतने के बाद उद्धव ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ा, विश्वासघात किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, संजय निरुपम का ये बयान। शंकराचार्य हिंदुओं के लिए श्रद्धा का पद है, पार्टी का समर्थन करने से पद छोटा होता है। कल अभी मुक्तेश्वरानंद ने उद्धव को लेकर कहा था, उद्धव के साथ विश्वासघात हुआ है। तो महाराष्ट्र में विश्वासघात के मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। शिंदे गुट के नेता हैं संजय निरुपम, जिन्होंने ये सवाल खड़ा किया है। विषय पर शंकराचार्य जी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, अब वो कह रहे हैं मुझे बड़ी वेदना हुई, मुझे पीड़ा हुई। अब किसी व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के राजनीतिक खिलवाड़ की वजह से आपको पीड़ा होती है? आप एक धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं, इसका ख्याल रखिए और इसका हम बहुत सम्मान करते हैं। अब वो कहते हैं जब तक ये मुख्यमंत्री बनेंगे तब तक पीड़ा रहेगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये शंकराचार्य नहीं तय करेंगे। और देखिए महाराष्ट्र में शंकराचार्य पर जुबानी जंग तेज हो गई है। हिंदूवादी पार्टी को विश्वासघात से तोड़ा, संजय राउत कह रहे हैं शंकराचार्य को इससे बहुत पीड़ा हुई। संजय राउत का यह बयान,
अब इस पर देखिए जुबानी जंग काफी तेज हो गई है, कई बयान सामने आ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि किसके साथ विश्वासघात हुआ ये जनता तय करेगी। शंकराचार्य जी बताएं राष्ट्र बड़ा या फिर राजनीति, शंकराचार्य क्या चाहते हैं वही जाने। ये माधवी लता का बयान। देखिए कौन क्या बोलता है क्या है इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु है। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सूरज ओझा हमारे साथ हैं। सूरज, शंकराचार्य का ये विश्वासघात वाला बयान, मतलब महाराष्ट्र में एक नई सियासत का मुद्दा? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव जब लोकसभा का था उससे पहले शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे का जो गुट था वो लगातार शिंदे पर जो निशाना लगा रहा था वो यही था कि आपने धोखेबाजी की है। ऐसे में अब विश्वासघात ये जो शब्द मिल गया है वो उनके कैंपेन को आगे बढ़ाता नजर आ रहा है और इसी के चलते ये मुद्दा और भी तेज गरमाया हुआ है। और इसी के चलते शंकराचार्य के बयान को अब शिवसेना काफ़ी ज़ोर शोर से अपने साथ लेकर चल रही है और उसी को आगे बढ़ाते हुए संजय राउत जो कि राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने भी कहा कि मैं भी उस वक्त वहाँ मौजूद था और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को जो के साथ जिसने विश्वासघात किया वो हिंदू नहीं है और वो मुख्यमंत्री के पद पर उन्हें दोबारा देखना चाहते हैं। अब ये जो इनका कैंपेन था इसे ये आगे बढ़ाता हुआ जो शब्द है अब इस पे रोक लगाने के लिए अब संजय निरुपम भी मैदान में आ गए। तो संजय निरुपम ने कहा कि शंकराचार्य का जो पद होता है वो हिंदुओं में काफ़ी ऊँचा पद होता है और ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति को न कि किसी व्यक्ति विशेष या फिर पार्टी के समर्थन में बोलना चाहिए, अगर वो ऐसा करते हैं तो इस पद की गरिमा छोटी होती है। तो देखिए अब ये जो विश्वासघात का शब्द है ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है जो कि शायद अब विधानसभा के चुनाव में भी गूंजेगा ऐसा कयास लगाया जा रहा है। जी संजय निरुपम ने तो यहाँ तक कह दिया है, वो सीधे तौर पर इस मामले पर उद्धव ठाकरे को घेरते नजर आ रहे हैं कि विश्वासघात किसने किया, मतलब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ नाता किसने तोड़ा, वो सीधे तौर पर उंगली उठा रहे हैं यहाँ पर उद्धव ठाकरे पर। और इसी को लेकर देखिए आने वाले समय में हो सकता है कि सियासत अभी और बढ़े क्योंकि तमाम तरह की बयानबाजी भी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसमें शहीद जो हुए हैं उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक की घटनाएं बढ़ रही हैं, आतंकी हमलों में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और ये तस्वीरें जहां डोडा में आतंकी अटैक में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए जिनके पार्थिव शरीर इस वक्त अब उनके पैतृक निवास की तरफ पहुंचाए जाएंगे लेकिन उससे पहले उन्हें अंतिम नमन किया जा रहा है सेना की तरफ से और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जी किशन रेड्डी इस वक्त आप उन्हें देख रहे हैं श्रद्धांजलि देते हुए हमारे शहीदों को। अभिषेक, पूरा देश गमगीन है क्योंकि बीते कुछ दिनों जिस तरीके से आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, डोडा में भी कल रात हमला हुआ, 5 जवान शहीद हो गए, पूरा देश सवाल तो कर रहा है लेकिन इस शहादत पर गर्व भी। बिल्कुल शरीफ, देखिए जम्मू में जिस तरह से हमले लगातार बढ़ रहे हैं 370 की समाप्ति के बाद जो हमलों का की दिशा है वो कश्मीर से ज़्यादा जम्मू की ओर हो गई है और वहाँ का जो टेरेन है जिस तरह से हम इंटरनेशनल बॉर्डर की रखवाली कर रहे हैं हमारे देश के वीर जवान और जिन हालातों में स्लीपर सेल से मुकाबला करते हुए इन्फिल्ट्रेशन से मुकाबला करते हुए वो इतनी विषम परिस्थितियों में रह करके रखवाली कर रहे हैं हमारे लिए गर्व का विषय है। पूरा देश इस शहादत का नमन कर रहा है, वंदन कर रहा है और पर कुछ यक्ष प्रश्न भी हैं कि आखिरकार इस जम्मू में जिस तरह से तेजी से घटनाएं हो रही हैं उन पे रोक लगाने का रोड मैप क्या होगा, ये सवाल भी उठ रहा है और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इस बलिदान पे हमको गर्व है और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सैनिक इन स्थितियों में वीरगति को प्राप्त हों, वो भारत माता की सेवा ताउम्र करें और इसीलिए इन प्रश्नों के उत्तर भी बहुत जरूरी है। ठीक है, हालांकि सरकार की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि जब तक आतंक का खात्मा नहीं होगा ये लड़ाई जारी रहेगी।